C5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। बेटी की हरकतों से अनजान ठाकू माँ बाड़ी के उसूलों से फिर करा रही है चंदा को परिचित। ठाकू माँ, क्या आपको पता नहीं ब्यूटी कहाँ है? क्या होगा जब उन्हें अपने ही खून से होना पड़ेगा शर्मिंदा? जानने के लिए कल का एपिसोड मिस मत कीजिएगा। चल 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 निकल यहाँ से। ओए, मैं एक ही शर्ट पे यहाँ से जाऊंगी। बच्चे आप क्यों रो रहे हैं? आपकी गलती नहीं है, गलती तो जिस जगह आपका जन्म हुआ है उसकी है। वहाँ के लोग ही ऐसे हैं, परेशान करके रखा है तुम्हारे नील चाचू को। फिर एक बार निवेदिता ने चली एक गहरी चाल। क्या होगा अगला पड़ाव जब फिर एक बार शांतनु का होगा सामना उसके अपनों के साथ? क्या चल रहा है, क्या तमाशा लगा के रखा है? मैं शादी करने वाली हूँ, वो भी इस नील वजूमदार से। तबाही मचाएगी माँ। बहुत बर्दाश्त कर लिया तुझे मैंने। तो विद्या के भंवर में फंसी है पुचकी, एक ओर है शांतनु तो दूसरी ओर ठाकू माँ। अपने कौन से कर्तव्य को चुनेगी पुचकी? शांतनु का सच जान चुकी पुचकी, क्या बचा पाएगी उसकी जान? या है ये कोई नए अध्याय की शुरुआत की दस्तक? जानने के लिए अगला एपिसोड मिस मत कीजिएगा। अब शांत तुम लोगों को तभी मिलेगा जब मैं और नील ना इस मंडप में साथ फेरे ले लेंगे। रुको ब्यूटी! पुचकी ने ठान ली है अपने दोस्त शांतनु को ब्यूटी के कहर से बचाने की। आखिर किस हद तक जाएगी पुचकी? जानने के लिए अगला एपिसोड मिस मत कीजिएगा। तुम जैसियों को घर के बाहर उठाकर फेंका जाता है। ऐसे तुमने जो किया ना सही नहीं किया, इसका बदला मैं लूंगी। ये वैश्या तुम्हें श्राप देती है कि तुम्हारे घर में जो भी बहू आएगी ना वो सोना गाची से आएगी, मेरी बाड़ी से आएगी। देखो ना मामूनी, आपकी बेटी वापस आई अपना मुंह काला करके। घूंघट में किस्मत बांधोगी तो होगा भी यही ना ब्यूटी, छत हमारा चल रखता है घूंघट नहीं। वक्त के कांटों की तरह कहीं पर रिश्ते बदले, कहीं पर किस्मत बदली, तो कहीं पर नाम बदला। क्या होगा ये तेरी गलियां की कहानी में अगला पड़ाव और किस्मत किसे कहां ले जाएगी? जानने के लिए अगला एपिसोड मिस मत कीजिएगा। तूने शान और खुशी के साथ मिलकर मेरी सारी उम्मीदों को कुचल दिया है, इसका भुगतान उनको करना ही पड़ेगा। शांतनु और पुचकी की दोस्ती पर लग गई है ब्यूटी की नजर। क्या दोनों हो जाएंगे हमेशा के लिए जुदा, या दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर बुरी नजर से लड़कर नहीं टूटने देंगे अपनी दोस्ती? आप यहाँ क्यों आए? मुझे माफ कर दो चंदा। ऐसा क्या हुआ है अरिंदम बाबू? तुमने यहाँ सोना गाची में रहकर अकेले होने के बावजूद शान को इतना बड़ा किया, इतनी अच्छी परवरिश दी, पढ़ाया लिखाया, इतना काबिल बनाया कि सर जैसा आदमी भी शान से इम्प्रेस हुआ। माँ का फर्ज निभाया है अरिंदम बाबू। माँ को ऐसे ही होना चाहिए। और बाप को? बाप को कैसा करना चाहिए? शान का बाप अरिंदम मजूमदार, नाम, शौहरत, गाड़ी, बंगला, पैसा,
ये सब होते हुए भी वो अपने बच्चे के आंख में आने वाले आंसू को नहीं रोक पाता। अगर एक शब्द भी कहा ना मेरी मम्मा के खिलाफ, तेरा चेहरा नहीं रखूंगा मैं। चले जा वापस, चले जा यहाँ से, तू आई है शोना गाजी। चंदा मामा, आप बादलों से लड़कर उनको ऐसे ऐसे हटाकर तूफान से दिशम दिशम करके बिजली से बचकर जैसे बाहर आ जाते हो ना, वैसे मुझे आप जैसे स्ट्रॉन्ग बना दो। मुझे भी दिशम दिशम करना पड़ता है ना, मेरे बड़ों में थोड़ी अकल आई इसलिए। वो थोड़ा बुद्धू है ना चंदा मामा। दुर्गामा, आपने तो मेरे घर बड़ों की दोस्ती करवाई, वो नहीं कह रहा है, पर मुझे पता है शांतनु तकलीफ में, पर रास्ता निकालिए ना माँ। दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर आएंगे कुछ की और शांतनु फिर एक दूजे के सामने। क्या होगा इस कहानी का नया अध्याय, या फिर करना होगा इनकी दोस्ती को मुश्किलों का सामना। अगले हफ्ते देखिए कौन है ये तुलिका, क्यों मीरा इसकी जिम्मेदारी ले रही है। ये मेरी मर्जी, मैं किसी से भी इसकी शादी करवाऊं, और हाँ इतनी ही जिम्मेदारी है तो तुम पाल लो इसे बिठा के। तो आज से तुलिका की जिम्मेदारी मेरी, और याद रखना आज के बाद उसकी तरफ नजर भी उठा के देखिए ना तो समझ लेना आप सोनी कुड़ी से पंगा नहीं लिया। गुड्डन फंसी गुंडों के बीच जिनसे है उसको जान का खतरा, क्या अनजान अक्षत निकाल पाएगा गुड्डन को इस नई मुसीबत से, या पूरे होंगे उसके साथ फेरे किसी और के साथ, या फिर किस्मत लाएगी एक ही मंडप में दोनों को साथ और गुड्डन बनेगी इंडिया की यंगेस्ट सास। जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुम से ना हो पाएगा का शादी समारोह। भाई यही है वो लोग जिन्होंने कल्याणी पर हमला किया था। भाई क्या किया तुम लोगों ने कल्याणी के साथ? कहाँ है कल्याणी? हाँ ये सच है कि हम कल्याणी को मारना चाहते थे, लेकिन कल्याणी को गलत बस में बैठाने वाले आओ साहब हैं, और आओ साहब ने खुद हमसे वादा किया था कि वो लड़की वापस इस गांव में लौट कर नहीं आएगी। इसे हीरोइन बनने का बड़ा शौक है, बोलती है चलो अंदर जाके दोनों बच्चों को बचा कर आते हैं। मैंने कहा कैसे बचाओगी, यहाँ पर भूपा भाई बैठा है। रे भूपी, क्या फर्क पड़ता है, नाम ही का रखा है, काम में रखा है, काम में रखा है। अब बताओ बेबी से कोई जीत सकता है? वो भी रात में। रात में क्या मतलब? रात बोल रहा है सुनो, आप घर पे तो बेइज्जती करते हो, यहाँ भी बेइज्जती करा रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ भी नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से तुम दोनों को यहाँ वॉशरूम में एंट्री मारते हुए देखा है। क्यों, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है? सुभान अल्लाह, में कल रात 8 बजे देखिए। कबीर अहमद, क्या आप अपनी बीवी रुखसार को तलाक देने वाले हैं? अजय कौन मत अपनी बीवी की मर्जी के खिलाफ जाकर उसे तलाक देने वाला है। खैर, तुम तो हमेशा तलाक देने वाले मर्दों के खिलाफ जाकर औरतों का साथ देती हो ना, तो बता तुम किसका साथ दोगी, हमारा या फिर कबीर का? क्या तुम कबीर को तलाक देने दोगे? तुम अभी भी प्यार पर यकीन करते हो, तुम्हें भी तो खुश रहने का हक है। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे बीच अब कुछ नहीं रहा? अब वेदिका का होगा पूजा में बड़ा तमाशा। छेदों वाले मिट्टी के घड़े में जलार्पण करने के पश्चात ही संकल्प संपन्न होगा। तुमने तो पूजा पूरी कर दी ना, अभी वेद को तो कुछ होगा नहीं, राइट?